दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि आप पढ़ते तो बहुत सारा है, पर जो पढ़ाई का जो आउटपुट आता है वो कम क्यों आता है? वहीं दूसरी ओर आपका जो दोस्त है वो पढ़ता तो कम है, पर उसका जो पढ़ाई का आउटपुट है वो आपसे ज़्यादा क्यों आता है? तो दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पढ़ाई की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको 6 हैक बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, हर एक व्यक्ति का ना एनर्जी हाई होने का समय अलग अलग होता है। किसी का एनर्जी रात में हाई होता है, किसी का एनर्जी सुबह सुबह हाई होता है, या फिर किसी का एनर्जी शाम में हाई होता है। अगर दोस्त इस एनर्जी हाई वाले समय में अगर हम कोई काम करते हैं या पढ़ते हैं तो उसका क्वालिटी जो है ना दोस्त बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्त, पहला स्टडी हैक ये है कि हमें अपना एनर्जी हाई वाला जो टाइम स्लॉट है ना वो पहचानना है, और उसी टाइम स्लॉट में हमें सबसे मुश्किल टॉपिक को, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ना है, और बाकी के समय में ना दोस्त हमें इजी सब्जेक्ट पढ़ना है। हो सकता है दोस्त कि आपका मैक्सिमम एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो रात में हो, या फिर हो सकता है कि ये सुबह हो, ये कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्त हमारा पहला स्टडी हैक है। दूसरा हैक, इस संसार में ना दोस्त हर एक इंसान का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग जो है वो देखकर सीखते हैं, कुछ लोग जो है सुनकर सीखते हैं, कुछ लोग पढ़कर सीखते हैं, तो कुछ लोग करके सीखते हैं। तो दोस्त हमें ये पता करना होगा कि हम लोग किस तरीके से जल्दी सीख जाते हैं। आज के टेक्नोलॉजी के समय में हमें जो पुराना कन्वेंशनल पढ़ाई करने का तरीका है पढ़ के लिख के, तो उसे हमें बदलना होगा। हो सकता है कि वो हमारे लिए उतना कारगर ना हो, और हो सकता है कि आप YouTube देख के पढ़ने और लिखने की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हो। इसीलिए दोस्त हमें अपने पढ़ाई की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपना लर्निंग स्टाइल को ढूंढना होगा। तीसरा हैक ना दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का जो स्टडी रूम है ना दोस्त बहुत ही मेसी होता है। उनके रूम में किताबें उधर पड़ी हुई हैं, कॉपी उधर पड़ी हुई हैं, स्टडी टेबल पर पेन बिखरे हुए हैं, प्लेट उधर फेंकी हुई है, कटोरी उधर है, मम्मी को चिल्ला रहे हैं चाय दो, पूरा रूम मेसी सा होता है। तो दोस्त जानते हो उससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो मेसी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई है ना वो आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, आपकी एनर्जी को खींचती है। मतलब कि आपके दिमाग का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसमें ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और आपको बॉडी का जो एनर्जी है, जो प्रीसियस एनर्जी आपके पास है, वो इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में खर्च होता है, जिससे आप जल्दी थक जाते हैं और आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो दोस्त अपने इस एनर्जी को बचाने के लिए हमें सबसे पहले अपने जो हमारा जो स्टडी रूम है ना उसको ऑर्गेनाइज करना होगा अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सजाना है रूम को, नहीं, इसका मतलब ये है कि चीज़ों को उसके अपने प्रॉपर जगह पर रखें। और दोस्त आपका जो स्टडी रूम है ना वो देखने में साफ सुथरा लगना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज लगना चाहिए, सारी चीज़ अपने जगह पर होनी चाहिए। दोस्त आप एक सप्ताह इसे अपना के देखो और दूसरे सप्ताह मुझे बताना है कि आपका जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। दोस्त स्टडी हैक का जो चौथा तरीका है ना वो पढ़ाई का बैकबोन है, इसलिए इसे तुम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। हम लोग दोस्त जब भी स्ट्रेस में आते हैं ना तो हम लोग थोड़ा भी पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। इसलिए दोस्त हमें अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए और पढ़ाई में मन लगाने के लिए खुद को स्ट्रेस फ्री रखना होगा। और खुद को स्ट्रेस से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है ना दोस्त अच्छे रिलेशनशिप। इसके लिए तुम दोस्त अपने पापा मम्मी के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, अपने भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशनशिप कर सकते हो। और दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए तुम्हें सामने वाले को भी समझना होगा, उनकी बातों को भी तुम्हें सुनना होगा। जब दोस्त तुम अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप को अच्छा कर लोगे ना, बेटर कर लोगे ना, तो दोस्त अगर तुम्हें कभी भी स्ट्रेस होता है तब तुम इन सारे लोगों के साथ बैठ कर बात कर कर हंसी मजाक करके अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। हमारा जो फिफ्थ स्टडी हैक है ना दोस्त वो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, और हमारा जो स्टडी है ना दोस्त वो कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। हमारे आसपास दोस्त ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हमारे आत्मबल को कम करती है, जो हमें निगेटिव करती है, जो हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग भरती है। इस हैक में दोस्त हमें अपने आसपास जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं, जो भी हमें निगेटिविटी से भर रही हैं,
उन सबको आइडेंटिफाई करना है और अपने लाइफ से उसे हटा देना है। हो सकता है दोस्त आपके रिश्तेदार आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई दोस्त आपको चिढ़ाता है, आपको मनोबल कम करता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को ना दोस्त अपने जीवन से एकदम हटा दो। कोशिश करो उन चीज़ों और उन लोगों के साथ ज़्यादा तुम समय एक्सपेंड करो जो तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी देती है, जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। दोस्त हमारा जो सिक्स्थ स्टडी हैक है ना, वो मैं पर्सनली तुम लोगों को रिकमेंड करता हूँ। ये है एक्सरसाइज करना। जब तुम एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब करते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग से एक रसायन निकलता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। और ये जो रसायन है ना दोस्त, वो तुम्हें फील गुड करता है, तुमको रिलैक्स करता है और तुमको कॉन्फिडेंस देता है। एक्सरसाइज मतलब कोई सा भी फिजिकल एक्टिविटी जो तुम्हें पसंद है। हो सकता है तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है तो तुम एक घंटा क्रिकेट ही खेल लो, तुम्हें वॉकिंग पसंद है तुम वॉकिंग ही कर लो। मतलब कुछ भी तुम फिजिकल एक्टिविटी 24 घंटे में से एक घंटा तुम जरूर करो। देखो दोस्त, ये जो हमारा शरीर है ना, ये सबसे अच्छा हमारा दोस्त है। हमारे एक इशारे पर ये उठता है बैठता है, हर सुख और दुख में हमारे साथ रहता है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने शरीर के लिए कुछ करें। अगर हम अपना शरीर को कुछ देते हैं ना, तो हमारा शरीर हमें वो दुगना लौटाता है। अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा शरीर हेल्दी होगा और तुम्हें पढ़ाई में मन लगेगा। देखो दोस्त, इस वीडियो में मैंने तुम्हें 6 स्टडी हैक बताए, और मुझे ये पता है कि इस वीडियो के शुरू में ही बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़ के जा चुके हैं, पर तुम दोस्त यहाँ तक पहुँचे हो। तो मेरा तुमसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि तुम इस वीडियो में मैंने जो बताया है उसमें से अगर तुम 3 भी इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना, तुम्हारा स्टडी का जो क्वालिटी है ना दोस्त, बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। तुम दोस्त इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी मत करो, ठीक है, इस वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन तुम ये 6 स्टडी हैक को अपने स्टडी में, अपने स्टडी के तरीके में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो मेरा मेहनत है ये सार्थक हो जाए दोस्त।